उधर सरगुजा में बीएससी सेकेंडरी के छात्रों ने आज़ाद सेवा संघ के बैनर तले संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी ये छात्र पहुंचे और प्रारंभिक प्रभारी कुल सचिव से मुलाकात करते हुए परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाया। आपको बता दें कि जसपुर और सरगुजा जिले के शासकीय कॉलेजों में पढ़ने वाले बीएससी सेकेंडरी के छात्रों ने बताया कि उन्होंने साल 2023-24 की मुख्य परीक्षा दी थी, जिसका रिजल्ट हाल ही में यूनिवर्सिटी ने जारी किया, जिसमें अधिकांशी छात्र छात्राओं को जीरो नंबर मिले। अब छात्रों ने उत्तर पुस्तिका के पूर्ण मूल्यांकन कराने की मांग की है। वहीं प्रभारी कुल सचिव ने छात्रों का किसी भी स्तर पर नुकसान नहीं होने दिया और नहीं होने दिए जाने की बात कही है। मेरा नाम अनु विश्वकर्मा है, मैं स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम केशवपुर कॉलेज से हूँ और मेरा यहाँ मैं अभी यूनिवर्सिटी में हूँ और मैं ये लेकर के आई हूँ कि मेरा फर्स्ट पेपर बॉटनी में तो 28 मार्क्स मिला हुआ है और वही सेकंड पेपर बॉटनी में 00 मार्क्स मिला है और मैं जिस दिन से रिज़ल्ट आया है उसी दिन से मैं कभी कॉलेज तो कभी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का ही चक्कर काट रही हूँ और कोई भी इसका परिणाम नहीं निकल के आ रहा बाहर। लेकिन जब बीएससी सेकंड और बीएससी बीए सेकंड का रिज़ल्ट जारी हुआ उसमें ये देखने को मिला जो ग्रामीण क्षेत्रों के कॉलेज हैं उसमें केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी जैसे सब्जेक्टों में सभी छात्रों को जीरो जैसा अंक दे दिया गया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि विश्वविद्यालय के द्वारा परिणाम को जल्दी जारी करने के चक्कर में कॉपियों को नहीं जंचवाया गया। तो अब वो जाँच सही नहीं होती है तो हमारे द्वारा 7 दिन के बाद इसमें एक उग्र प्रदर्शन किया जाएगा और इस मामले को लेकर हम जहाँ तक हो सकेगा मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, जहाँ तक हो सकेगा प्रधानमंत्री, जहाँ तक हो सकेगा इस विश्वविद्यालय की बात को ले जाएंगे। लगभग कितने बच्चे हैं? अभी इनका है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का लिया हुआ है इन्होंने, हम इनकी भी कॉपी निकालेंगे और अगर ये बहुत ज़्यादा चाहेंगे तो इनमें से कोई एक व्यक्ति आ जाए, एक कोई छात्र इनका नेता आ जाए इनमें से ही, तो हम उसको कॉपी नहीं, वो जो नंबर है हम उनको दिखा सकते हैं, वो ओपन कर सकते हैं। तो इसमें कहीं आउटस्टैंडिंग बढ़ता है कि जीरो है तो वो पास हो गया तो ये एक आउटस्टैंडिंग हुआ, तो उस पर क्या नियम व्यवस्था है हम देख के उस पर कार्य करेंगे। छात्रों का किसी भी स्तर पर नुकसान नहीं होने देंगे, ये बिल्कुल हमारा विश्वविद्यालय का अपना